नमस्कार, मैं डॉक्टर भाविका ढींगरा वैदेशी आयुर्वेदा की तरफ से आज मैं आपको बताने वाली हूँ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस का जन्म कैसे हुआ और किस टाइप के फॉर्मुलेशंस पहले मिला करते थे और अब मार्केट में किस तरीके के फॉर्मुलेशन अवेलेबल है। अगर हम आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की बात करें तो सबसे पहले जो चरक संहिता में वर्णन आता है चैप्टर 4 में, दैट इज स्वरस, कल्क, क्वार, हिम और फाट, ये हमारे बेसिक प्रिपरेशन थे। उसके बाद चारणदर संहिता मध्यम कंड में इन्हीं को डिटेल एलैबोरेट किया गया है और इनको कैसे फॉर्म किया जाना चाहिए एज पर द दोषा और इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट किस हिसाब से डलना चाहिए उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें चारणदर संहिता में मिलता है। लेकिन जो स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फांड थे वो बदलते हुए एरा के साथ और मॉडर्न एरा में आते आते लोगों के लिए पैलेटेबिलिटी इशू क्रिएट करने लगे और साथ ही साथ लोगों के कंज्यूम करने में डिफिकल्ट थे। यानी कि अगर मुझे दिन में 3 बार कल्क का मेडिसिन लेना है तो मैं उसको इजीली अपने बैग में कैरी नहीं कर सकती क्योंकि वो ड्रेन आउट हो सकता है, उसमें से लिक्विड डिस्चार्ज हो सकता है, तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन को लेने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए मॉडर्न आयुर्वेदा में कल्क से हम लोगों ने चूर्ण और वटी की तरफ हम लोग बढ़े और हमने धीरे धीरे अपने प्रिपरेशंस को और ट्रांसफॉर्म किया और आज की डेट में मार्केट में बहुत तरीके के सिरप्स, टैबलेट्स अवेलेबल रहते हैं, ऑयल बेस अवेलेबल रहते हैं और इवन जो ऑयल बेस और घृत बेस की मेडिसिन थे उनको भी टैबलेट में कन्वर्ट किया गया है। जो काढ़े बेस की टैबलेट थी यानी जो हम काढ़ा पिया करते थे आज के टाइम पे वो भी मार्केट में टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल रहता है। लेकिन क्वेश्चन ये रेज होता है कि फॉर्मुलेशन का टाइप चेंज कर देने से क्या उसकी पोटेंसी और एफिकेसी पे भी कोई फर्क पड़ा है? तो ये क्वेश्चन बेसिकली हर्ब्स की पोटेंसी पे हम आंसर कर सकते हैं क्योंकि जो भी फॉर्मुलेशन प्रिपेयर किया जाता है वो उसके हर्ब्स की पोटेंसी के बेसिस पे उसका पोटेंसी या उसका एफिकेसी डिसाइड होता है। तो अगर आज भी आप कोई फॉर्मुलेशन प्रिपेयर करते समय जेन्युइन हर्ब का यूज कर रहे हैं तो चाहे आप उनका कल्क बनाए, चाहे आप उनका वटी बनाए, चाहे आप उनको कैप्सूल फॉर्म में बनाए, उसका पोटेंसी कम नहीं होगा बिकॉज जब हम उसको कैप्सूल फॉर्म में बनाते हैं तो रादर पाउडर फॉर्म हम एक्सट्रैक्ट फॉर्म यूज करते हैं तो वो पोटेंसी को हार्म नहीं करता है। और आज के डेट में हम लोगों को पैलेटेबल और पैलेटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन इस टाइप से मार्केट में मिलते हैं जो इजी टू कंज्यूम है और स्पेशली बच्चे, बड़े, हर एज ग्रुप के लोग उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा भी धीरे धीरे मॉडर्नाइज हो रहा है, उसके प्रिपरेशन भी मॉडर्नाइज हो रहे हैं। तो आज की डेट में आयुर्वेदा मेडिसिन का मतलब सिर्फ वो चूर्ण या वो जो हम पुड़िया में बांध के दवाई देते हैं वो नहीं है। आज की डेट में आयुर्वेदा मेडिसिन कस्टमाइज भी है और पैलेटेबल भी है और टेस्ट में भी अच्छी है। इवन दो जो आसव और अरिष्ट के फॉर्मुलेशन आते हैं दैट आर ऑल्सो वेरी गुड इन द सिरप फॉर्म एंड ईजी टू कंज्यूम एज वेल, वो आप इजिली ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। So thank you and follow us more for the more informative.